हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपनी ओकिनावा प्रेस के लिए लिथियम फॉस्फेट का बैटरी पैक डेवलप कर रहा हूं, और साथ ही मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट भी किया था कि मैं इससे जुड़ी सभी जानकारियां और डिटेल्स आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बेस्ट क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयन बैटरी पैक कैसे बनाते हैं, और मैं साथ में इसकी सारी प्रोसेस भी आप लोगों से शेयर करूंगा, और साथ में इससे जुड़े सारे सीक्रेट्स भी रिवील करूंगा और बताऊंगा कि कैसे एक लिथियम आयन बैटरी पैक को डेवलप किया जाता है और उसको डेवलप करने की क्या प्रोसेस है और आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और साथ ही में इस लिथियम आयन बैटरी पैक में आने वाले सभी इक्विपमेंट्स और पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप भी अपना एक बेस्ट क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी पैक डेवलप कर सकें। दोस्तों, मैंने अपने लिथियम आयन बैटरी पैक को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे डेवलपर से बात की, और उसके बाद एक लोकल बैटरी पैक डेवलपर को सिलेक्ट किया। हालांकि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसने अभी तक सिर्फ सोलर पावर के लिए ही लिथियम आयन बैटरी पैक बनाए थे, और उसके बाद हमने तकरीबन 2 महीने तक काफ़ी सारी स्टडी की और काफ़ी सारे दूसरे डेवलपर से बात करने के बाद अपना पावर पैक बनाना शुरू किया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मेरे लिथियम आयन बैटरी पैक की मॉड्यूल्स सेल्स की असेंबली हो चुकी है, और मैं सिर्फ BMS और एक दो इक्विपमेंट्स का ही वेट कर रहा हूं। मेरा BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अभी कस्टम में है, और इसको आने में तकरीबन 7 से 10 दिन और लग सकते हैं। मेरे इस वीडियो को पहले बनाने के 2 कारण हैं। एक तो YouTube पर बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं अपने लिथियम आयन बैटरी पैक के डेवलपमेंट का वीडियो कब रिलीज करूंगा, और दूसरा, अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को एक वीडियो में बताने जाता तो ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता, इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ को पार्ट में रिलीज करूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं लिथियम आयन बैटरी पैक बना पूरी प्रोसेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवी मेनिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुझे आखिर अपने लिथियम आयन बैटरी पैक को डेवलप करने की नीड क्यों हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि मैंने किस टाइप की बैटरी को और कैसे सिलेक्ट किया अपने लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट के बारे में, जिससे मैंने लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए बैटरी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए पूरी असेंबली प्रोसेस क्या है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, उसके बाद इन सेल्स की सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन कैसे की जाती है बैटरी पैक को बनाने के लिए, मॉड्यूल के अरेंजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, मॉड्यूल की असेंबली बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, उनको सिलेक्ट कैसे करना है और उसकी वर्किंग क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चार्जर आपको कौन सा लेना है, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक पूरे लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी पैक को डेवलप करने में मुझे तकरीबन कितना खर्चा आया है। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह ही इलेक्ट्रिक बाइक के लिए काफी क्रेजी हूँ, और तकरीबन 1.5 साल से ओकिनावा प्रेस चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ये रियलाइज हुआ है कि इसमें लगी लेड एसिड बैटरी, कहने को तो VRLA है, पर यह खराब क्वालिटी होने के कारण बहुत कम लाइफ दे रही है। हालांकि एक अच्छी VRLA बैटरी की लाइफ तकरीबन 200 से 300 साइकिल हो सकती है, लेकिन इसकी साइकिल काफ़ी कम है। शुरू में मुझे ओकिनावा प्रेस में तकरीबन 150 किलोमीटर का ट्रेवल मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल तकरीबन 1 साल 3 महीने चलाने के बाद मुझे ओकिनावा प्रेस में 120 किलोमीटर का फुल चार्ज पर ट्रेवल मिल रहा है, यानी कि मेरी बैटरी की इफिशेंसी में तकरीबन 20% का रिडक्शन हो गया है। और अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी ये लेड एसिड बैटरी 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगी, और मैं नई बैटरी पर जो कि तकरीबन 36,000 की आने वाली है पूरा बैटरी पैक, इतना भारी भरकम खर्चा नहीं करना चाहता, और साथ ही में इसकी लाइफ भी काफ़ी कम है, इसलिए 36,000 का खर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी का अलग से एक बैटरी पैक डेवलप करूंगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मैंने अपने पावर पैक के लिए किन किन लिथियम आयन सेल्स की स्टडी की
और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिथियम कोबाल्ट डाइऑक्साइड बैटरी की, जिसे हम LCO के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में यूज होने वाली ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी पैक में इन्हीं सेल्स का यूज होता है, और उसके कुछ मेन पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये प्राइस में सस्ता है बाकी लिथियम आयन सेल से, दूसरा ये वेट में हल्का होता है, और तीसरा साइज में कॉम्पैक्ट होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसको पहले तो 18650 के नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर वोल्टेज की बात की जाए तो इसका वोल्टेज 3.7 वोल्ट, और करंट इसका जो रेटिंग शुरू होती है 2000 से लेकर 3800 mAh की रेटिंग में मार्केट में अवेलेबल है। इनकी चार्जिंग लाइफ हालांकि बाकी लिथियम आयन बैटरी सेल से कम होती है, और ये तकरीबन 500 से 1000 की चार्जिंग लाइफ दे सकते हैं, डिपेंड्स ये किस क्वालिटी के हैं। इसके बाद इनकी चार्जिंग कैपेसिटी 0.71C की होती है और डिस्चार्ज कैपेसिटी 1C से कम की होती है, और अगर इनकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 90 रुपये से लेकर 180 रुपये पर पीस के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। फिर से ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लिथियम कोबाल्ट सेल यूज कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने स्टडी की लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल्स की, जिसका की केमिकल नेम LiFePO4 है और जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है 32650। इस सेल्स की वोल्टेज रेटिंग है 3.2 वोल्ट और करंट रेटिंग है 6000 mAh, और अगर इसकी चार्जिंग लाइफ की बात करूँ तो लैब में जो इस सेल्स की चार्जिंग लाइफ मिली है वो है तकरीबन 2000 साइकिल के आसपास, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर आप इसके बैटरी पैक को प्रॉपरली यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स का ऐसा कहना है कि ये 1500 से 1800 साइकिल आराम से दे सकता है। अगर चार्ज कैपेसिटी की बात करें तो जो सेल्स मैं यूज कर रहा हूँ उसकी चार्जिंग कैपेसिटी है 1C की, और उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी की बात की जाए तो वो डिस्चार्ज कैपेसिटी है 3C की, और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो मार्केट में ये 1800 लेकर 300 रुपये के रेट के रेंज में अवेलेबल है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये रेट इसके क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, और ये सभी लिथियम आयन सेल्स चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इन सेल्स की नहीं है। इसके बाद जिस लिथियम आयन सेल की मैंने स्टडी की वो था लिथियम टिटेनेट सेल्स। इस सेल्स की वोल्टेज रेटिंग 2.3 वोल्ट और करंट रेटिंग 35 से 40 एच की होती है। चूंकि इसकी करंट रेटिंग काफी ज्यादा होती है इसीलिए साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसकी मॉड्यूल की असेंबली करना काफी इजी होता है। इसकी चार्जिंग लाइफ काफी ज्यादा होती है, और इसका लैब में चार्जिंग लाइफ जो मिली है वह है तकरीबन 3000 से लेकर 7000 साइकिल। फिर से डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के सेल्स यूज कर रहे हैं। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी 5C की होती है और डिस्चार्ज कैपेसिटी 10C तक जा सकती है। हालांकि ये इसके रेट काफी ज्यादा है, और ये 2500 से 3200 के प्राइस रेंज में इंडिया में अवेलेबल है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी लिमिटेड है। इन सभी तीन टाइप के लिथियम आयन सेल्स की स्टडी करने के बाद मेरे को लिथियम फेरस फॉस्फेट ज्यादा बेटर लगे, क्योंकि एक तो इनका प्राइस कम है लिथियम टाइटेनेट बैटरी से, दूसरी इसकी चार्जिंग लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए मैंने अपनी बैटरी पैक के लिए लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल का सिलेक्शन किया है। दोस्तों लिथियम फॉस्फेट सेल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैंने एक सेल को अरेंज किया और उस पर मल्टीमीटर को उसका वोल्टेज चेक किया। आप जैसा कि देख सकते हैं मल्टीमीटर में कि इस लिथियम फॉस्फेट सेल में मुझे तकरीबन कुछ 3.23 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने इसका एक सर्किट तैयार किया, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिथियम सेल कनेक्ट करने के बाद अभी जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो है 3.25, और मैंने इसमें एक फैन कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं फैन को ऑन करता हूँ और फैन को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका वोल्टेज यानी कि सेल का वोल्टेज गिर कर तकरीबन 2.96 हो गया है। ये लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल जिससे कि एक मल्टीमीटर कनेक्टेड है, फैन की अगर मैं बंद कर देता हूं तो फिर से मेरा वोल्टेज बढ़ा, और फिर मैंने फैन को फुल स्पीड में चालू कर दिया तो मेरे सेल का वोल्टेज गिर कर तकरीबन 2.7 पर आ गया है। चूज किए हुए लिथियम फॉस्फेट सेल की चार्जिंग लाइफ और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट तैयार किया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्जर है जो कि यूलेप फोन पावर 5 का काफी हेवी चार्जर है, और ये 5 वोल्ट और 3 एम्पियर का है, और इसी के साथ आप एक स्टैंड में एक लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल को देख सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पर मैंने एक फैन भी यूज किया हुआ है जो कि 5 वाट का है जो कि मेरे इस सेल को डिस्चार्ज करेगा, और मल्टीमीटर जो कि वोल्टेज मेजर करेगा। इसके बाद जैसे मैं
पूरे सर्किट को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं ये यहां पर मेरा आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है कि चार्जिंग के लिए इस सेल को तकरीबन 3.6 का वोल्ट मिल रहा है, जो कि एक लिथियम फॉस्फेट सेल के लिए आइडल है, जहां पर आप लिथियम फॉस्फेट सेल को चार्जिंग के लिए मैक्सिमम 3.6 से 3.65 वोल्ट ही दे सकते हैं और आपको चार्जिंग इंडिकेशन दिख रहा है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक कुछ 72 के आसपास चार्जिंग साइकिल और डिस्चार्ज साइकिल ही कंप्लीट कर पाया हूं और मुझे अभी तक इस सेल का परफॉर्मेंस ठीक लगा है, क्योंकि चार्जिंग के टाइम ये सेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और इसके वोल्टेज में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। जो वोल्टेज मुझे इनिशियली मिल रहा था वही वोल्टेज के आसपास मुझे अभी भी मिल रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे इस सेल की क्वालिटी ठीक ठाक होने वाली है। दोस्तों लिथियम फॉस्फेट सेल की तकरीबन 72 चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल कंप्लीट करने के बाद मुझे इस सेल की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और चार्जिंग लाइफ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। हालांकि क्लेम चार्जिंग लाइफ 2000 सेलेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैं इन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना लिथियम आयन बैटरी पैक सिलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1, जो कि है बैटरी सॉर्टिंग और बैटरी सेग्रीगेशन। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक लिथियम आयन सेल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक और अपनी कुछ वैल्यूज होती है, यानी कि हर एक सेल का वोल्टेज और करंट अलग अलग होता है। और अगर आपको एक अच्छा बैटरी पैक बनाना है तो आपको इन सेम कैरेक्टरिस्टिक सेल को या फिर सेम वोल्टेज के सेल को आपस में एक दूसरे के पास में रखना है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई करें। दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंट किसी भी सेल की लाइफ डिफाइन करने का सबसे सही तरीका है, और इसी प्रोसेस में आपको सबसे पहले इन सेल्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई करना है, और जिन सेल्स का रेजिस्टेंट एक दूसरे के क्लोज होता है उनको आपस में सेग्रीगेट करके एक दूसरे के पास में ही लगाना है। यानी कि मान लीजिए कि आपके सेल्स का कुछ का करीब 10 मिली एम्पियर रेजिस्टेंट है, कुछ का 20 है, कुछ का 30 है, कुछ का 40 है, तो आपको इनको सेग्रीगेट करना है इनकी कैटेगरी में और एक दूसरे के साथ पास के पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना है, और तभी आपको आपकी बैटरी पैक का बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाएगा। इस बैटरी सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स के 4 मंच बने हुए हैं। पहला सेल्स जो कि तकरीबन 30 से 40 मिली ओम्स का है, दूसरा सेल का बंच है जो 40 से 50 बीच के मिली ओम्स का है, तीसरा बंच 1 से 10 मिली ओम्स के बीच का है, और चौथा बंच जो है वो 10 से 20 के मिली ओम्स के बीच का है। अब इन्हीं बंच के सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ा जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से रिलीज करूंगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लिथियम आयन बैटरी का मॉड्यूल कैसे बनाना है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ एक आइडेंटिकल मॉड्यूल बनाया हुआ है, एक्चुअल मॉड्यूल इससे थोड़ा अलग होगा और साथ में प्लस माइनस कॉम्बिनेशन भी अलग होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे 72 वोल्ट 30Ah का एक मॉड्यूल रेडी करना है, इसके लिए मैंने 3.2 वोल्ट के सेल को सीरीज में लगाया है, और 72 वोल्ट अचीव करने के लिए मैंने तकरीबन 23 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। हालांकि जो एक्चुअल वोल्ट है वो मुझे तकरीबन 73.6 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 23 की सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि मुझे 72 वोल्ट मिलेगा, और उसके बाद मैंने इन सभी को 5 लेयर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, जिससे कि मुझे 30Ah मिलेगा। तो इन टोटलिटी जो मेरा पावर पैक बनेगा वो बनेगा 72 वोल्ट और 30Ah का, और उसमें तकरीबन 1500 सेल्स लगने वाले हैं सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लिथियम फॉस्फेट सेल की आपको असेंबली कैसे करनी है। हालांकि असेंबली की कई प्रोसेस है, कुछ लोग इसमें सोल्डरिंग भी करते हैं, लेकिन सोल्डरिंग के कारण सेल्स का टेम्परेचर एकदम से काफ़ी बढ़ जाता है और उसके कारण उसके केमिकल को नुकसान पहुंच सकता है और लाइफ कम हो जाती है। इसलिए वेल्डिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसमें स्पॉट वेल्डिंग करें। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि स्पॉट वेल्डिंग कैसे होती है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग की प्रोसेस। यहाँ पर हम जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो है निकल स्ट्रिप होती है। निकल स्ट्रिप की खासियत है कि ये काफ़ी ज़्यादा करंट कैरी कर सकती है और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और इसलिए निकिल स्ट्रिप्स को स्पॉट वेल्डिंग की जाती है। स्पॉट वेल्डिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम
दो या तीन स्पॉट वेल्डिंग एक सेल के लिए करें, क्योंकि ईवी में वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पॉट वेल्डिंग करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और स्पॉट वेल्डिंग से इस तरह से ये दो मॉड्यूल मेरे तैयार हुए हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड का मॉड्यूल देख रहे हैं वो है बॉटम मॉड्यूल, और जो राइट हैंड साइड का मॉड्यूल देख रहे हैं वो टॉप मॉड्यूल है। इन दो ये दोनों मॉड्यूल एक के ऊपर एक आकर मेरा पूरा एक बैटरी पैक तैयार होगा, और इसके बाद इसमें एक BMS लगेगा, और इसका बाहर की एक्सटर्नल पैकिंग होने के बाद मेरा बैटरी पैक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपकी बैटरी पैक की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो ये हर एक मॉड्यूल में सेल की बैलेंसिंग करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक सेल का वोल्टेज और करंट लेवल अलग अलग होता है, जैसे कि कुछ सेल का वोल्टेज 3.2, कुछ का 3.25, कुछ का 3.1 हो सकता है। और ज़्यादा हायर वोल्टेज के सेल्स पहले चार्ज होते हैं और वो सेल्स पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं जिनका करंट लेवल कम होता है। और इसी अनबैलेंस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से सेल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और आपको कम लाइफ मिलती है। यहाँ पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS रोल प्ले करता है और उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को बैलेंस करता है। दोस्तों अब हम लोग BMS के फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर तीन सेल लगे हुए हैं, और जो सबसे पहला सेल है उसका जो इनिशियल वोल्टेज है 2.7 है, दूसरे का 2.8 है, और तीसरे का 2.9 है। अब जब इन तीनों को चार्ज कर लेंगे हम लोग एक कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, यानी कि 3.6 वोल्ट वोल्टेज देते हैं, तो अब देखते हैं चार्जिंग में क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग इसकी चार्जिंग बढ़ती है वैसे वैसे आप इसका लेवल देख सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेल्स हायर वोल्ट वाले थे वो पहले चार्ज हो जाते हैं। अब होता ये है कि हायर वोल्ट के सेल पहले चार्ज होने पर पूरी एनर्जी अपनी तरफ ले लेते हैं, और जो पहले नंबर का सेल है वो अभी भी पूरा चार्ज नहीं हो पाया है, और दूसरे और तीसरे नंबर के सेल अपनी तरफ पूरी एनर्जी लेकर ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर ओवरहीटिंग के कारण, ओवर चार्जिंग के कारण इन सेल्स की लाइफ कम होती जाती है और धीरे धीरे ये सेल्स खराब हो जाते हैं। यहाँ पर BMS इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन सभी सेल्स की चार्जिंग को बैलेंस करता है और साथ में डिस्चार्जिंग को भी बैलेंस करता है। और दोस्तों BMS का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। और इसके डिटेल्ड ऑपरेशन को जानने के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाकर उसको रिलीज करूँगा। दोस्तों और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपनी लिथियम पावर पैक में लगने वाले BMS की डिटेल्स या फिर डाटा शीट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इस डाटा शीट में पूरी टेक्निकल डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक नॉमिनल वोल्टेज जो इस BMS का वो है 72 वोल्ट, स्टोरेज कैपेसिटी 30H, जिस सेल्स के लिए यूज होने वाला है वो है 23.2 वोल्ट 6A का, और ये BMS 23S का है यानी कि 23 सीरीज को अलाउ करता है। फुल चार्ज बैटरी पैक वोल्टेज है 83.95 वोल्ट का, इसके ऊपर के वोल्टेज को ये BMS कट कर देगा, और इसी तरह से लोअर कट ऑफ वोल्टेज है 58.65 का, इसके नीचे अगर मेरे पावर पैक का वोल्टेज जाता है तो ये BMS उसके वोल्टेज को कट कर देगा और ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन देगा। बाकी डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे लिथियम फॉस्फेट बैटरी के चार्जर के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम लोग लिथियम फॉस्फेट बैटरी के लिए हमारी ओकिनावा प्रेस का लेड एसिड बैटरी चार्जर यूज़ कर सकते हैं, और मेरा जवाब होगा कि नहीं, हम लोग लेड एसिड बैटरी का चार्जर यूज़ नहीं कर सकते। उसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो लेड एसिड बैटरी में यूज होने वाले प्रेस का चार्जर तकरीबन हायर लेवल पर 88 वोल्ट डिलीवर करता है, और चूंकि लिथियम फॉस्फेट बैटरी हायर वोल्टेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और मैक्सिमम वोल्टेज ये 3.65 भी ले सकती हैं, इसीलिए जो आपकी लिथियम फॉस्फेट बैटरी को वोल्टेज चाहिए वो होने वाला है तकरीबन 83.95। इसके ऊपर अगर हम लोग हमारे लेड एसिड बैटरी के चार्जर का 88 वोल्ट देते हैं तो ये बैटरी की लाइफ को काफ़ी कम कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लिथियम फेरस फॉस्फेट का ही चार्जर यूज़ करें। हालांकि अगर हम लोग चार्जर की बात करेंगे तो चार्जर भी 2 स्टेज 3 स्टेज और 4 स्टेज के अवेलेबल हैं, और चार्जर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की जा सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, और मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि
कि आप चार्जर लिथियम फेरस फॉस्फेट का ही यूज करें अपने बैटरी पैक के लिए और लेड एसिड का चार्जर ना यूज करें, क्योंकि लेड एसिड के बैटरी के चार्जर से आप 60-70% तो चार्ज कर सकते हैं आपकी बैटरी को, लेकिन फुल चार्जिंग में ये आपकी बैटरी की लाइफ को काफी कम कर देगा और हो सकता है आपकी बैटरी जल्दी खराब कर दे। दोस्तों, इस लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक को बनाने में होने वाले खर्चे की बात करूं तो सबसे पहले अगर सेल्स और उसकी असेंबली की बात की जाए तो ये मुझे पड़ी है 38,000 रुपये की, यानी कि 38,000 की। उसके बाद बैटरी पैक के लिए BMS मुझे पड़ा है तकरीबन 4,400 रुपये का, यानी कि 4,400 रुपये का। और चार्जर की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है तकरीबन 5,200 रुपये का। इसके बाद अगर मैं इस बैटरी पैक के लिए कनेक्टर की बात करूँ तो ये मुझे पड़े हैं तकरीबन 480 रुपये के। और इन सभी को कनेक्शन करने का और फिटमेंट करने का जो खर्चा आया है होने वाला है वो होगा तकरीबन 1,000 रुपये का। इन टोटलिटी जो मेरे को लिथियम फॉस्फेट का बैटरी पैक पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है तकरीबन 49,080 रुपये का, यानी कि 49,080 रुपीज़ का। हालांकि इसमें GST के रेट अलग हैं और जो लगने वाले हैं 18%। हाँ, लेकिन अगर आप अपने GST नंबर पर या फिर किसी वेंडर के थ्रू या सप्लायर के थ्रू ये बैटरी पैक खरीदते हैं तो आपको इंप्रूव क्रेडिट मिल जाएगा और यहाँ पर आपके सीधे सीधे 18% बढ़ जाएंगे। और साथ ही मुझे लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक पर तकरीबन 3 साल की वारंटी भी मिली है, जो कि मेरे लोकल वेंडर ने मुझे ऑफर की है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि लेड एसिड बैटरी का खर्चा तकरीबन ओकिनावा प्रेस के लिए आने वाला था 36,000 रुपये, और वही मेरे लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक का खर्चा है तकरीबन 49,000। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा ये बैटरी पैक सही परफॉर्म करता है तो ये मेरे लिए एक बेटर चॉइस है और एक बेटर डिसीजन होगा। इसके बाद इस बैटरी की पूरी असेंबली और इसके परफॉर्मेंस के अपने वीडियोस मैं आप लोगों को आगे शेयर करता रहूँगा और समय समय पर इसका फीडबैक भी देता रहूँगा कि मेरा लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक कैसा परफॉर्म और मेरे डिसीजन ठीक रहा या नहीं। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की हर संभव कोशिश करें ताकि हम अपने देश और दुनिया से पॉल्यूशन कम कर सकें। साथ ही मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहे लिंक को फॉलो करके आप मेरे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं।